हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ए एच फोटोवर्स। आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न स्टैम्प टूल की। पैटर्न स्टैम्प टूल फोटोशॉप का बहुत अच्छा टूल है। इससे हम किसी भी इमेज के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को एज ए पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो फोटोशॉप में भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो पहले से दिए होते हैं, लेकिन अगर हम चाहें अपना खुद का पैटर्न बनाना लेकिन अगर हम चाहें अपना खुद का पैटर्न बनाना तो हम खुद का पैटर्न भी बना सकते हैं। कोई भी इमेज हमारे पास, उसके हम किसी भी पर्टिकुलर पार्ट्स को हम एज ए पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल कैसे काम करता है। लेट्स मूव ऑन डेस्कटॉप। मेरे पास ये एक इमेज है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लोन स्टैम्प टूल की। क्लोन स्टैम्प टूल के नीचे ही है, तो क्लोन स्टैम्प टूल के पैनल में ये पैटर्न स्टैम्प टूल, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, कीबोर्ड से हम इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। शॉर्टकट से आपको उधर दिख रहा होगा, राइट क्लिक करेंगे तो भी इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और हार्डनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, इसके बहुत सारे ब्रशेज दिए हैं, आप इसको ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोर में बहुत सारे ब्रशेज हैं, हम देखते हैं। और यहाँ से आप न्यू ब्रश बना सकते हैं, या किसी को भी रिनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से उनको देखा था, सो रिसेंट ब्रश जो हमारे यहाँ रहते हैं स्टोर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं जो कोई न्यू से लोड किया होगा। अब आते हैं ऊपर, यहाँ से वही सब साइज कम ज़्यादा और हार्डनेस। यहाँ से इसकी मोड है, आप मोड यूज़ कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी है और इसका फिलो है, ये एयर ब्रश है। और मैन है इसका ये है, ये देखिए, ये हमारे बहुत सारे पैटर्न्स, ये देखिए। कुछ मैंने न्यू से लोड किए थे और कुछ जो हमारे बाय डिफॉल्ट दिए होते हैं वो होते हैं। ये देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब करता हूँ मैं इसका साइज़ बड़ा। इस तरह से एक पैटर्न इस पर अप्लाई हो गया। कोई और दूसरा लेते हैं, ये देखिए। वैसे हम अभी अभी दिया, वैसे हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम अपना पैटर्न बना सकते हैं उसी तरह का। ये देखिए, यहाँ से आप इसका मोड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, डार्क ले लेंगे, ये देखिए मोड यूज़ करते हैं किस तरह का इफेक्ट्स आते हैं। जैसा भी हम इफेक्ट चुनेंगे, हम लाइट लेते हैं, ये देखिए इस तरह का आएगा। अब हम इसको करते हैं नॉर्मल, हम देखते हैं इसके दूसरे ऑप्शन। देखिए यहाँ पे इसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी अभी 100% है। ये देखिए, हम यहाँ पर ब्रश अगर अप्लाई करते हैं, ये देखिए सब कुछ इसके ऊपर, ओपेसिटी कम करेंगे तो ये देखिए इस तरह से दिखाएगा। आपको पता ही है ओपेसिटी क्या करता है, इसकी दिखने की जो वैल्यू है उसको कम कर देता है। 100% करते हैं। और ये फिलो है, पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी, ये फिलो है, पिछली वीडियो में भी हमने काफ़ी बात की इसके बारे में। तो ये फैला है, जितना इसको कम करेंगे उतना कम एरिया में, ये देखिए इसका फिलो कम होता चला जाएगा, ज़्यादा करेंगे उसी हिसाब से अच्छा चलेगा। ये देखिए, अब बात करते हैं एलाइन की। इसमें हमने चेक है हमारा, अब देखिए मैं पेंट करता हूँ, ये देखिए इस तरह से हम करेंगे तो ये बिल्कुल सेम दिखाई देगा। ये देखिए, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये देखिए, ये इसके ऊपर होता रहेगा, इसके ऊपर होता रहेगा। तो कोई दूसरा लेता हूँ जिसमें थोड़ा साफ दिखे, हाँ ये लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए जितनी अलग से मैं कर रहा हूँ उसको तो अलग से दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ इसके ऊपर हम ओवरले कर रहे हैं, इस ब्रश के ऊपर हम ओवरले कर रहे हैं। ये देखिए क्लोज चेक कर रहे हैं तो हमको ऐसे भी दिख रहा है, लेकिन अगर अलाइन का ऑप्शन ये चेक रहेगा तो सिर्फ ये जैसे भी पैटर्न इसको डिफाइन किया गया है उसी तरह से काम करेगा और ऊपर से ओवरले नहीं होगा। तो एलाइन का ये फ़ायदा होता है। वो ये है तुम्हारा इम्प्रेशंस। अगर हमको हम इसको चेक करते हैं, वैसे तो ये हमेशा अनचेक ही रहता है, अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये देखिए ब्रश के अंदर जो भी कलर है वही छोड़ेगा। ये देखिए, कोई दूसरा पैटर्न से लेते हैं, ये देखिए हार्डनेस फुल है इसकी। अभी देखिए, अब डिफरेंट कलर, ये देखिए
कोई भी पैटर्न से हम चूज करते हैं तो उसके अंदर जो भी कलर मिक्स किए जिस कलर को मिलाकर वो बनाया गया है वही कलर हम उससे करेगा। हम इसको करते हैं अनचेक। अब बात करते हैं कि हम अपना पैटर्न कैसे बना सकते हैं। हम इसी इमेज का पार्स ले लेते हैं। ये देखिए ये पार्स ले लिया। एडिट मेन्यू में जाएंगे और डिफाइन पैटर्न यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं देता हूँ माई पैटर्न PAWTRE माई पैटर्न इसको कर देते हैं। अब ये देखिए ये इस लिस्ट में सबसे नीचे जाएंगे ये आ जाएगा वही वाला पैटर्न। ये देखिए जैसे मैंने कहा था कि हम किसी भी इमेज के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को एज ए पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ आप चाहें वहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसको इसको लिखते हैं। देखिए कंट्रोल ए एडिट मेन्यू में गए। जो भी नाम है वही रहने देते हैं। ये देखिए ये पैटर्न बन गया। ये देख लीजिए। अब चाहे तो हम इसको यहाँ से जाएंगे रिसेट मैनेजर। जो भी हमने पैटर्न बनाया ये अगर हमको पसंद नहीं आया तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए। अब मैं एक दूसरा तरीका बनाता हूँ आपको पैटर्न बनाने का। देखिए अभी जो हमने पैटर्न बनाया था यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इसको। पहले मैं लेता हूँ कंट्रोल प्लस एंड न्यू डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ से चूज करता हूँ पिक्सल 300, 300, 300 वाइट का। ये देखिए मैं इस कमल का पैटर्न ये शिफ्ट दबाओ। ये देखिए इसकी हमने एक कॉपी बना ली है। एक कॉपी बनाई हमने इसकी। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। इसमें बढ़ गया हमारे पास। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे अल्ट दबा के इसका एक कॉपी लेंगे। ये देखिए और साथ में दबा लेंगे शिफ्ट। ये देखिए स्मार्ट गाइड हमारी ओपन है। और ये देखिए इसी स्क्रीन पर आएगा ये बताएगा। कॉपी करेंगे और इस पर करेंगे कंट्रोल टी फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे। दोबारा कंट्रोल टी अल्ट दबा के डुप्लीकेट साथ में शिफ्ट पेज भी कर लेते हैं। और ये देखिए हो गया कंट्रोल टी और वर्टिकल। ओके इन दोनों को करते हैं सिलेक्ट। अब देखिए अल्ट दबाकर सेट। ये देखिए अब चाहे हम इन दोनों को करा सकते हैं मर्ज। करते हैं कंट्रोल ए और डिफाइन पैटर्न। ये अब देखिए हम क्या ये मेरे पास एक पैटर्न है। ये देखिए ओके कंट्रोल डी। अब देखिए जो मैंने 2 साल बनाया था पैटर्न अभी देखिए पहले हमने जो पैटर्न बनाया उसमें क्या फर्क होता है। ये देखिए इसमें हम पता लगा सकते हैं कि ये हिस्सा अलग है ये हिस्सा अलग है ये हिस्सा अलग है ये हिस्सा अलग है ये हिस्सा अलग है। लेकिन जो दूसरा पैटर्न जो मैंने डुप्लीकेट्स करके बनाया उसमें हम ये पता नहीं लगा सकते। ये देखिए
ये मेरे पास दूसरा है, ये देखिए वैसे ही मैंने बनाया है, इसमें पता नहीं लगा सकते कौन सा हिस्सा हमने कहाँ से लिया है, ये देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।